नमस्कार दोस्तों, आज मुकाबला है नेपाल वर्सेस सिंगापुर का, जो कि एक बड़ा मुकाबला है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप एशियन क्वालिफायर का पहला मुकाबला जो कि नेपाल खेलेगा। और ये मुकाबले सारे हो रहे नेपाल के ही ग्राउंड पे। क्या होगा इस मुकाबले में जानेंगे, और जानेंगे कि नेपाल किस फॉर्म में, नेपाल के कौन से प्लेयर बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और इस मुकाबले को कौन जीतेगा, और ये नेपाल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कौन से प्लेइंग 11 और स्क्वाड में किसको चुना गया, ये सारी बातें करेंगे। साथ साथ करेंगे प्रेडिक्शन इस मैच के बारे में। नो डाउट नेपाल की टीम काफी अच्छे फॉर्म में, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनकी परफॉर्मेंस कह रही है। हाल ही में जो T20 के ट्राई नेशन सीरीज के मैचेस हुए थे उसमें नेपाल ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, 4 मैचेस लगातार जीते, लेकिन जो फाइनल में हार की थी UAE के साथ उससे काफी निराशा हुई लोगों को। टीम कहीं ना कहीं वो 4 जीते दिखाती है कि नेपाल की जो परफॉर्मेंस है, जो लय है, वो काफी अच्छी है, और इस T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में वो बनी रहेगी, क्योंकि फाइनल में सिर्फ हारना ये नहीं दिखाता कि टीम कैपेबल नहीं है। काफी अच्छी टीम ने प्रदर्शन किए, काफी अच्छे स्कोर डिफेंड किए, काफी अच्छे रन भी बनाए, और सभी प्लेयर काफी फॉर्म में, तो मुझे लगता है कि ये जबरदस्त रहेगा मैच। हालांकि इस फाइनल में UAE के खिलाफ एक्सपेक्टेड नहीं था कि नेपाल हारेगा, लेकिन क्या बताऊं, हार गया। और कई सारे लोगों ने तो कमेंट किया कि नेपाल हमेशा फाइनल में हारता है और इसीलिए हार गया, लेकिन फिर भी ये नेपाल के लिए टूर्नामेंट काफी सफल भी रही। और यहाँ पर नेपाल वर्सेस सिंगापुर के बीच में मैच है, तो सिंगापुर की टीम की बात करें तो सिंगापुर ने अभी हाल ही में एशियन गेम्स में खेला था, और उसमें एशियन गेम्स में 2 मुकाबले थे सिंगापुर के, जिसमें से एक में उसने हार दर्ज की थी और एक में जीता था थाईलैंड के खिलाफ 99 रन से। इतना दम तो नहीं है सिंगापुर में, लेकिन नो डाउट्स कहा नहीं जा सकता कि कौन कब पलट जाए, लेकिन फिर भी इस मुकाबले में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नेपाल जीतेगा, क्योंकि नेपाल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपोनेंट सिंगापुर के खिलाफ इस मैच में। और बात करें नेपाल के टीम के, जो 15 लोगों का स्क्वाड जो कि चुना गया T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए, तो उसमें कुछ चेंजेस भी हैं, और सबसे बड़ी बात तो उसमें संदीप लामिचानी को भी एड ऑन किया गया, और संदीप लामिचानी काफ़ी बढ़िया खेलते हैं, वेल नोन बॉलर हैं, वेल नोन स्पिनर, और वर्ल्ड वाइड काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं, बहुत सारी टूर्नामेंट में खेल चुके हैं, बहुत सारी लीग्स में खेल चुके हैं, तो उनका प्रेजेंट होना कहीं ना कहीं नेपाल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है ट्राई नेशन सीरीज़ के कंपैरिजन में। और मुझे लगता है कि नेपाल ने स्ट्रैटेजिकली वहाँ पर ट्राई नेशन सीरीज़ में संदीप लामिचानी को नहीं खिलाया था और कई और प्लेयर्स को नहीं खिलाया था, क्योंकि यहाँ पर एक सरप्राइजिंग एलिमेंट जरूर होना चाहिए। जब आप बड़ी लीग्स में खेल रहे हो, T20 वर्ल्ड कप के लिए खेल रहे हो, क्वालिफायर्स के लिए खेल रहे हो, तो यहाँ पर एक सरप्राइजिंग एलिमेंट संदीप लामिचानी और कई और प्लेयर के रूप में डाला भी गया है स्क्वाड में। बाकी सारे प्लेयर्स तो ट्राई नेशन सीरीज वाले हैं ही, नेपाल के जो मेन प्लेयर्स हैं, साथ ही साथ एड ऑन किया गया यहाँ पर संदीप लामिचानी को, विवेक यादव को, विनोद भंडारी को, ललित राजवंशी और प्रतीश जीसी को, वो शायद मौजूद थे, लेकिन फिर भी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट ये सारे प्लेयर रहेंगे इस टूर्नामेंट में। तो जो लोग प्रेडिक्शन करते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नेपाल इस मैच को जीतेगा, तो प्रेडिक्ट कीजिए और जीतिए ज़रूर। तो इस मैच की और भी डिटेल की बात करेंगे, कौन से प्लेयर विस्फोटक हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि आपके पास है मौका जीतने का, एक चमचमाती हुई कार यानी कि एक गाड़ी जीतने का, साथ ही साथ iPhone 14 Pro जीतने का, Apple Watches, Samsung Galaxy S23, AirPods और बहुत सारे ऐसे गिफ्ट जीतने का, साथ ही साथ बहुत सारे बोनस जीतने का। और ये मौका देना ट्रस्टेड और दुनिया में वेल नोन हमारे पार्टनर 1xBet, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इस वर्ल्ड कप 2023 में। पार्टिसिपेट करने के लिए 1x वेबसाइट या फिर ऐप पर जाकर खुद को रजिस्टर करें, टैप करें टेक पार्ट बटन पर, थोड़ी सी डिटेल भरिए, साथ साथ प्रोमो कोड भरिए NINews, जिससे मिलेंगे आपको 43,000 तक के बोनसेस। तो प्रोमो कोड NINews जरूर भरे। तो 1xBet काफी रिलायबल है और इजी है, तो फटाक से QR कोड स्क्रीन पर दिया, उसको स्कैन कीजिए, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और जीतो एक बम्पर सी ब्रांड न्यू का। मेक योर प्रेडिक्शन फॉर मैचेस विद 1xBet, यूनाइटेड बाय क्रिकेट, यूनाइटेड बाय 1xBet। पिच की बात करें, वेदर की बात करें, साथ साथ प्लेयर्स की बात करें जो कि प्रेडिक्शन के लिए हेल्पफुल भी होगा, तो ये मैच हो रहा है नेपाल के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर, जो कि कीर्तिपुर में है, और ये ग्राउंड काफी ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली माना जाता है, लेकिन यहाँ पर पेसर्स को ज्यादा मदद मिलती इन कंपैरिजन स्पिन बॉलर्स के, तो यहाँ पर आप लोग पेसर को इंक्लूड जरूर कीजिएगा, जैसे कि करण केसी हो गए, सोमपाल कामिया, इन लोग को इंक्लूड जरूर करिएगा। और ज्यादातर देखा गया कि चेज करने वाली टीम यहाँ पर जीतती है। और वेदर की बात करें तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी करीबन 57% रहनी है, टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहना है, तो यहाँ पर ग्राउंड बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करेगा, पिच मोस्टली ड्राई रहेगी। और ये मैच शुरू हुआ सुबह के 9 बजे से, तो यहाँ पर पूरे दिन में ही ये मैच खत्म होने वाला है, तो ड्यू व्यू कुछ इफेक्ट नहीं लाने वाली यहाँ पर। साथ ही प्लेइंग 11 की बात करें नेपाल और सिंगापुर की, करें तो आपकी स्क्रीन पर ये सारे ही प्लेयर्स प्लेइंग 11 में हो सकते हैं। नेपाल की तरफ से कुशल बुर्तेल, आसिफ शेख, कुशल मल्ला, रोहित पौडेल, दीपेंद्र सिंह एरी, संदीप जोरा, गुलशन झा, सोमपाल कामी, करण केसी, अविनाश बोरा और संदीप लामिचानी इस गेम के प्लेइंग 11 हो सकते हैं नेपाल की तरफ से। साथ साथ इम्पैक्टफुल प्लेयर की बात करें तो संदीप लामिचानी यहाँ पर इम्पैक्टफुल हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से उन्होंने खेला नहीं है, प्रैक्टिस में ही थे, तो यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल साबित हो सकते हैं।
पहला गेम खेलेंगे जब। ऐसा दीपेंद्र सिंह गिरी जिनको नेपाली क्रिकेट का टाइगर बोला जाता है, तो वो काफी ज्यादा इंपैक्टफुल साबित हो सकते हैं इस टूर्नामेंट में। ऐसा सोमपाल कामी और गुलशन शाह भी इंपैक्टफुल साबित हो सकते हैं, और सिंगापुर के अरितम दत्त ये भी इंपैक्टफुल प्लेयर के रूप में सामने आ सकते हैं। तो इन सभी को आप लोग टीम में इंक्लूड कर सकते हो अगर आप लोग फैंटेसी क्रिकेट खेल रहे हो। तो नेपाल के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर नेपाल खेल रहा है अपने होम ग्राउंड पर, और जो सामने ओपोनेंट है सिंगापुर है वो बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेलता है और बहुत सारा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलता है, तो यहाँ पर नेपाल के जीतने के चांसेस ज्यादा है। साथ साथ नेपाल को सपोर्ट मिलेगा अपने होम ग्राउंड का, अपनी पब्लिक का, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा मोटिवेटेड भी रहेगा नेपाल। साथ साथ मैं अगर प्रेडिक्ट करूंगा तो कुछ ऐसे टीम होगी जिसमें ये सारे प्लेयर इंक्लूड होंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, और इसमें आप लोग कुछ इंपैक्टफुल प्लेयर को डाल सकते हो और अपनी टीम बना सकते हो, जिसे आपके जीतने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग प्रिडिक्शन करते हो तो यहाँ पर इस मैच में प्रिडिक्शन जरूर करना, क्योंकि इसको जीतने के नेपाल के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आपके भी जीतने के चांसेस उतने ज्यादा है। होप आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, और देखते रहिए एनआई न्यूज़ विद शिवम।